शहनाज और सिद्धार्थ को हर कोई सपोर्ट कर रहा है। अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए, एक दूसरे को परेशान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब काफी टाइम से इन दोनों के बीच में झगड़ा देखने को मिलता है। दरअसल आपको याद होगा कि कैप्टनसी टास्क के दौरान शहनाज को कैप्टन बनना था, लेकिन पारस माहिरा को सपोर्ट कर रहे थे, जिसके बाद शहनाज ने पारस को प्रपोज किया और कहा कि पारस, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। शहनाज की ये बात सिद्धार्थ को इतनी हर्ट हुई कि सिद्धार्थ ने शहनाज से बात करना बंद कर दिया। शहनाज ने सिद्धार्थ को बहुत मनाया, सिद्धार्थ को किस किया, हग किया, लेकिन सिद्धार्थ ने सिर्फ शहनाज को इग्नोर किया। शहनाज जब सिद्धार्थ का हाथ पकड़ रही थी, तब भी सिद्धार्थ ने शहनाज का हाथ झटके से छुड़ा लिया। सिद्धार्थ की इन सब हरकतों से ये साफ जाहिर है कि अब सिद्धार्थ शहनाज से बात नहीं करना चाहते। सिद्धार्थ का कहना है कि शहनाज के लिए सिद्धार्थ बस एक ऑप्शन बन चुके हैं। लेकिन सब घर वाले और घर से बाहर सिद्धनाज फैंस सिद्धार्थ और शहनाज को एक साथ देखना चाहते हैं। वहीं अब बिग बॉस के होस्ट सलमान खान भी शहनाज और सिद्धार्थ को एक साथ देखना चाहते हैं। ये बात हम इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि शहनाज को सलमान खान कितना पसंद करते हैं और पारस को सलमान खान कितना नापसंद करते हैं। तो इसीलिए शहनाज के साथ सलमान भी पारस को नहीं देखना चाहते। हम ऐसा इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सलमान भी सिद्धनाज को एक होते देखना चाहते हैं। ये बात हम इसीलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सिद्धार्थ ने जब वीकेंड के वार में शहनाज की गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ा और कहा कि अगर तुझे हर्ट होता है तो मुझे भी हर्ट होता है। सिद्धार्थ जब शहनाज को ये बात बोलते हैं तो सलमान खान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, जिसको देखकर ये साफ जाहिर है कि सलमान भी सिद्धनाज को एक साथ देखना चाहते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह की बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इंफॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।